अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो पिछले व्लॉग में देखा होगा आप लोग ने कि मुझे टिकट मिल गई थी, तत्काल टिकट, और मैंने बहुत जल्दी जल्दी सारी तैयारियां की। अगर वो व्लॉग नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देखिएगा, बहुत अच्छा व्लॉग है। और ये देखिए, हम लोग ने लास्ट लोकल ली थी नाला सुपारा से, जहाँ हम लोग बांद्रा उतरे थे। और ये देखिए, बांद्रा उतर के यहाँ से ऑटो लिया था और ऑटो से हम लोग जा रहे हैं कुर्ला स्टेशन। और लास्ट लोकल से आए तो हमको पूरी रात बैठना पड़ा था कुर्ला स्टेशन पर इतनी ज़्यादा वहाँ गर्दी थी कि रात क्या है वो समझ में ही नहीं आ रहा था। पूरा बैठ कर गुजार लिए थे, तलहा भी नहीं सोए थे, बातें हो रही थी, हम लोग बैठ कर बातें कर रहे थे। काफ़ी पैसेंजर थे, बच्चे भी थे, तो एक दूसरे के बच्चे खिला रहे थे, सबसे बातें हो रही थी। इसी तरह से यहाँ का टाइम भी तरह था। और इतनी गर्दी थी, जो भी ट्रेनें आ जा रही थी, इतने पैसेंजर आ रहे जा रहे थे, बस देख बैठ कर हम लोग यही देख रहे थे। और घर पर सबकी याद आ रही थी, तलहा अपने पापा को बहुत मिस कर रहे थे, और उनसे तलहा से और उनके पापा से चैटिंग चालू थी। दोनों बाप बेटे बहुत चैट करते हैं, एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं व्हाट्सएप पर। और ये देखिए, आपको दिखा रही हूँ सारे पैसेंजर कैसे अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। काफ़ी गर्दी है और जिसको जगह मिल गई है वो सो भी रहा है। तो इसी तरह से हमारा सफ़र आगे चल रहा है, और हम लोग बैठे हैं ट्रेन के लिए कि बस ट्रेन लग जाए तो हम लोग जाए। ये देखिए सामान, तो कुछ खाने पीने का जो सामान ये वाले बैग में मैंने रखी थी, तो तलहा का वेफर वगैरह मैं उनको निकाल के दे रही हूँ, क्योंकि वो सोना नहीं चाह रहे हैं, उनको जागना है, अच्छा लग रहा था उनको स्टेशन पर। तो ये चॉकलेट वेफर तो उन्होंने नहीं खाया, ये चॉकलेट वो खा रहे हैं, तो उनके पापा ने लेकर आके दिया था कि ये सारी चीज़ें खाएँगे तो अच्छा लगेगा, तुम्हारा टेस्ट अच्छा रहेगा मुंह का। और ये देखिए, इस तरह से आपको गर्दी दिखा रही हूँ। और फिर हम मैं और तलहा थोड़ा सा स्टेशन पे टहले भी थे, बहुत गर्मी थी तो अच्छा लग रहा था। और फिर ये देखिए, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी ट्रेन पर बैठ गए। और तलहा को लग रही है ठंड, क्योंकि एसी इस वक्त बहुत तेज़ चल रही थी और सुबह का वक्त था तो ठंड लग रही थी। 6 बजे सुबह की हमारी ट्रेन थी। तो ये आपको मैं बाहर का व्यू भी दिखा रही हूँ। और फिर कई सारी जगह की चाय पीने के बाद ये वाली चाय अच्छी थी, तो मैं और तलहा बहुत चाय पीते हैं दोनों ट्रेन पर। ये देखिए, तलहा की बातें नहीं ख़त्म हो रही, तलहा इतनी बातें करते हैं, और कोई बच्चे तो साथ में जा नहीं रहे थे तो वो मुझसे इतनी बात कर रहे थे, या तो अपने पापा से वो चैट कर रहे थे या तो मुझसे बात कर रहे थे। उनको नींद नहीं आ रही थी यहाँ पर भी, और बच्चे मिल गए थे। और ये देखिए, बड़े बड़े सब सो रहे हैं, बच्चे सारे जाग रहे हैं। और ये फिर कोई स्टेशन आया था, काफ़ी रात में हम लोगों ने बहुत देर तक के बातें की थी। और फिर ये सुबह 6 बजे का व्यू है, तो ये बांदा स्टेशन आया था, वहाँ पर बहुत सारी आधी ट्रेन खाली हो गई थी, बहुत सारे पैसेंजर बांदा के थे, तो हम लोग को इलाहाबाद उतरना है। और ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, तो मुझे स्टेशन इतना अच्छा लग रहा था कि फाइनली अब गांव का मंजर दिखने लगा है, हरियाली हर तरफ, अपनापन ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गांव आकर वैसे भी अच्छा लगता है, और तलहा यहाँ इतना एक्साइटेड हो रहे हैं कि हमारा गांव कब आएगा, हम लोग ट्रेन से कब उतरेंगे, हम लोग कल सुबह से बैठे हुए हैं। तो मैं उनको बोल रही हूँ, थोड़ा वेट करो, बस अपना भी आने वाला है। और फिर हम मैं और तलहा बैठ कर बाहर का व्यू वैसे देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। जितने लोग उतरे वो सारे इतने खुश होकर उतर रहे थे कि उनका गांव आ गया, क्योंकि मुंबई की ट्रेन थी, सारे समर वेकेशन के लिए बच्चे लोग इतना एक्साइटेड थे कि हमारा गांव आ गया, गांव आ गया, और सब जा रहे हैं। तो तलहा भी बहुत वो हो रहे थे कि अपना कब आएगा, अपन कब उतरेंगे। और ये इस तरह से सारे पैसेंजर जा रहे हैं, देखकर ये सब अच्छा लग रहा था। आई होप आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग अच्छा लगता होगा। इसी तरह के ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये देखिए, हमारी गाड़ी चल पड़ी, और उसके बाद मैं और तलहा सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन हमारा आने वाला था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।